और अब खबर जयपुर से है, जहां सोमवार को शहर के 56 नामी प्राइवेट स्कूलों को बम की धमकी भरा ईमेल किया गया। इस संबंध में जयपुर शहर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि धमकी मिलने की सूचना के बाद दिनभर सभी स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन देर रात तक कोई भी संदिग्ध वस्तु या फिर विस्फोटक जैसी सामग्री नहीं मिली है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि संभवतः किसी ने डर फैलाने के इरादे से यह मेल भेजा है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह में नहीं आए, वे आम दिनों की तरह ही बच्चों को स्कूल भेजें। हमने हमारे डिस्पोजल स्क्वाड से सर्च अभियान किया है, वहां कोई भी संदिग्ध वस्तु ऑब्जेक्ट सामग्री नहीं पाया गया है। ये भय का माहौल पैदा करने के लिए भेजा गया है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए हम कटिबद्ध है। आप अपना दिनचर्या के अनुसार अपना काम में चलते रहिए, आपका सुरक्षा के लिए हम मौजूद हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर जयपुर से है, भट्टा बस्ती इलाके में दो पक्षों में कहासुनी के बाद पत्थरबाजी का मसला निकलकर सामने आया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। शिवाजी नगर में बच्चों के बीच विवाद एक झगड़े की वजह बन गई। जी हां, मौके पर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर और सीनियर अफसर पहुंच गए। फिलहाल इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात है, शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। तो बच्चे की कहासुनी एक झगड़े में तब्दील हो गई, दो पक्षों में कहासुनी हुई, फिर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो स्थिति है वो गंभीर हो गई होगी, इसीलिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। फिलहाल वहां पर शांति है। जयपुर के बाद बीकानेर से बड़ी खबर आपको बताते चले, हजारों बीघा भूमि आवंटन घोटाला नजर आया है। छतरगढ़ के बाद अब पूगल में भूमि आवंटन घोटाला का केस सामने निकल कर आया। एसडीएम पटवारी भूमाफिया का गठजोड़ सामने आया है, जिसमें भूमाफिया तो भूमाफिया, पटवारी और एसडीएम की संलिप्तता भी बताई जा रही है। जांच कमेटी की रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। जिला कलेक्टर ने 7 कार्मिकों को निलंबित कर दिया, 4 पटवारी, 1 कानून गो, 2 गिरदावर इसमें निलंबित किए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 7 लोगों को निलंबित किया गया है। सोलर कंपनियों के प्लांट लगाने से जमीनों की कीमत बढ़ी, हजारों बीघा सरकारी जमीन का फर्जी आवंटन किया गया। यही वो जमीन है जिसका फर्जी आवंटन किया गया है और जिसमें 7 लोगों को अब निलंबित भी किया गया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।